9 दिसंबर 2021 को पता चला कि भैया कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने सच में शादी कर ली है। लवली कपल, दूर से बड़े अच्छे दिखते हैं और पास से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। और हमें लग भी रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है इनके साथ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। देखिए, आज ही खबर आई कि कैटरीना ने और विकी ने थाने में जाकर, मतलब कि मुंबई पुलिस स्टेशन में, अपनी एक रिपोर्ट दर्ज कराई एक दूसरे से परेशान होकर, नहीं कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कोई गेम नहीं है। यहाँ पर गेम है डेथ थ्रेटनिंग का, यानी कि जान से मार देने की धमकी मिल रही है इन दोनों को। सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा, सोशल मीडिया पे सब ठीक चल रहा है, लेकिन इनके फोन पे, इनके सर्वेंट के जो नंबर है वहां पे बहुत जगह से इनको कॉल आ रहे हैं कि जहां दिखे वहीं मार दिए जाओगे। और पुलिस ने बिगिनिंग में जो इनके कनेक्शन था वो लॉरेंस की टीम से जोड़ा कि भैया वहां का ग्रुप ने कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई पुष्टि नहीं आई है। दीज आर सम अदर गाइस जिनकी हुई तलाश में पुलिस अभी लगी हुई है। नाम किसी का रिवील नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने कैटरीना और विकी दोनों को ही कहा है थोड़ी सावधानी बरतने के लिए। एंड भाई अभी बहुत कुछ हो भी रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा लेट सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ। एंड सलमान खान ने पुलिस में अपनी एक अप्लीकेशन दी है लाइसेंस के लिए कि उनको एक लाइसेंस्ड गन चाहिए खुद की प्रोटेक्शन के लिए। भाई उनके गार्ड के पास गन है, फिर भी वो चाह रहे हैं कि उनके पास भी एक हथियार हो, क्योंकि जिस तरीके से उनके पापा को लेटर मिला था कि वह मार देंगे, उसके बाद तो भाई फैमिली में टेंशन हो ही जाती है। और अब टेंशन इसलिए ज़्यादा हो रही है कि भैया विकी कौशल और कैटरीना, इन दोनों का लिंक कहीं ना अंडरवर्ल्ड से मिलता ना कहीं और कनेक्शन है। और कुछ लोग तो मस्ती मजाक के लिए लिख दे रहे हैं सलमान खान रियल आईडी से आओ, बट अगर ऐसा कुछ है, सीरियस ये चीज़ें चल रही हैं, तो दिस इज़ अ सीरियस इशू। पुलिस को जल्दी जल्दी कुछ कर देना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि हाउ हार्ड इज अ स्टार लाइफ, क्योंकि ना हम इनको मूवीज में देखने के बाद बहुत बोल देते हैं कि काश यार मैं यहाँ पे होता, यार एक मौका मिल जाए एक्टर बन जाऊँ, इससे सही एक्टिंग कर लेता हूँ। बट दिस इज अ वेरी हार्ड लाइफ, दिस इज नॉट अ ईजी लाइफ जो हम सोच रहे कि हाँ बस पैसा ही पैसा, फेम ही फेम। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यू लेट मी नो, जस्ट कमेंट एंड बताओ कि भैया ईजी है या हार्ड है। चलो करो कमेंट की बारिश। बाकी मिलता हूँ बहुत ज़्यादा नई न्यूज़, नई बातों के साथ, नई अपडेट के साथ। अब तक आप सभी को अलविदा।